लग रहा है, बड़े को खूबसूरत सा ये लग रहा है। अभी ये आते हैं भाई, तो इनसे हम उनकी प्राइस जो है वो पूछते हैं। अभी वो और ये देखिए सभी का जो है तैयार हो रही है, अबाया वगैरह वो वेयर कर रही है फटाफट से। तो अभी जो है इस टाइम हमने व्लॉग इसलिए शुरू किया है क्योंकि आज जो है हमारे घर को सजाने की फाइनल लास्ट शॉपिंग है। हमने जो जो ऑर्डर दिया था वो तमाम चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, हमें टैक्स आ चुका है और अब हम वही रिसीव करने जा रहे हैं। और बस अब बाज़ार का काम आज ख़त्म हम कर देंगे, बाकी जो है फिर घर का काम शुरू होगा कि घर में उसको किस तरीके से कौन सी चीज़ कहाँ पर सजानी है, क्या क्या करना है। तो चले फिर, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और आपको भी इस वीडियो में बड़े ही मज़ा आने वाला है। तो चले फिर, तो अभी फाइनली जो है ग्रोसरी हमारी पैक होकर आ गई है। अभी तो खैर हम बाहर जा रहे हैं, फिर आते हैं तो इसको ठीक ठाक करते हैं। वो नीचे चली गई थी, उन्हें कुछ काम था तो वो काम करके उन्होंने हमें कॉल कर दिया कि अब तुम दोनों नीचे आ जाओ। तो अब हम दोनों नीचे जा रहे हैं, देख रहा अभी जो है सबसे पहले हम लोग आए हैं यहाँ समामा शॉपिंग मॉल के साथ ही जो है एक बाज़ार लगा हुआ है, बिल्कुल उसके साथ ही ना लग के लगा हुआ है। वहाँ पे बेड शीट्स और टेबल क्लॉथ वगैरह मतलब हर चीज़ बहुत ही परफेक्ट, पर्दे का पूरा शॉप है। मैंने पहले भी व्लॉग वहाँ का बनाया है, जब मैं पर्दे लेने गई थी ना बेडरूम के लिए, तब मैंने कम्प्लीट व्लॉग उनका शेयर किया हुआ है। वो मतलब वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शॉप्स हैं। तो हम लोग इंटर हुए, इंटर होते ही जो राइट साइड पर जो शॉप थी ना बेड की, मतलब क्लासिक बेड शॉप के नाम से था, तो मैं उनका जो इनका फ़ोन नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, कोई बहुत ही शानदार शॉप थी और हर चीज़ इतनी परफेक्ट थी कि बस बड़े को खूबसूरत सा ये लग रहा है। अभी आते हैं भाई, तो इनसे हम उनकी प्राइस जो है वो पूछते हैं। अभी वो हमारा सामान पूरा कट शिफ्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं अभी कि देखिए बड़ा खूबसूरत, तो एकदम मलाई, बिल्कुल मलाई माल लग रहा है। तो यहाँ पे ब्लैंकेट जो है वो मुझे पता चल गया और वो 4000 का था। और यहाँ पे मम्मा मुझे बुला रही हैं, ये जो है मुझे डाइनिंग टेबल के लिए एक फैंसी शीट चाहिए थी जो मुझे बहुत मुश्किल से ढूंढने पर मिली है। तो मम्मा मुझे बुला रही थी कि आके उसको नापो, क्योंकि डाइनिंग टेबल को ना मैं हाथ की बालिश से, जो नहीं ट्रेडिशनल लेडीज अंदाज होता है, उसमें मैं नाप के ले गई थी। मैं इंच टेप से मैंने नहीं किया था, तो इसलिए मम्मा ने बोला। लेकिन भाई तो आप मुझे ज़रा बताएंगे यहाँ पर ब्राइडल की फैंसी चादर जो ये मैरून वाली है, इसकी क्या प्राइस होगी? ये जो मैरून वाली आप देख रहे हैं जी, कंफर्टर के साथ है, 9 पीस का सेट है, ये तकरीबन 9000 रुपए तक का पड़ेगा। अच्छा, तो आप कुछ डिस्काउंट नहीं करेंगे? डिस्काउंट कर देंगे, आप लेने आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यानी ब्राइड आएगी तो इंशाल्लाह आप उसको डिस्काउंट करके देंगे। चलें, इसमें बगैर कंफर्टर के भी उसके रेट इससे भी और कम है। चलें, बहुत खूबसूरत बेडशीट थे। यहाँ पे ये पसंद कर रही है, क्या पसंद कर रही हो तुम? किचन का जो ये लो। तो मुझे डाइनिंग टेबल की फैंसी शीट जो है वो मिल चुकी थी, एक फैंसी चादर, और सभी का को जो किचन में फैंसी लुक चाहिए उसकी शीट भी इसको मिल गई। नहीं तो नॉर्मली जो है ना हम लोग दराज से ऑर्डर कर रहे होते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं मिलती जो हमें बेसिकली चाहिए थी। तो यहाँ पे फाइनली हमें वो तमाम चीज़ें मिल गई। ये वाला देखें आपने, मैंने टेबल क्लॉथ की जो शीट ली है, तो फाइनल जो इसकी प्राइस थी ना वो इन्होंने मुझे 1500 का पूरा एक बड़ा सा दिया। वो जब मैं अपने टेबल पर लगाऊंगी ना तो आपको भी आइडिया हो जाएगा। ये एक बड़ी खूबसूरत सी बेड शीट थी और इसकी प्राइस 5000 थी, और ये कोई इतनी ज़बरदस्त कमाल की बेडशीट थी ना कि बस मेरा तो दिल ही आ गया था देखकर। तो यहाँ पे जो है हमने काफ़ी सामान ले लिया। ये देखें, इनके पास कॉटन की भी तरह तरह की बेडशीट की वैरायटी, मतलब बहुत ज़बरदस्त, कोई बहुत ही शानदार दुकान है। अगर आपने विजिट करना है, आपने कुछ शादी आपके घर में इस तरह से कुछ है, तो आप ज़रूर विज़िट करें क्योंकि हर चीज़ जो रीज़नेबल है। उसके बाद जो है हमने समामा से रिक्शा किया और हम जो है चल पड़े बसेरा मार्केट, जहाँ पर मेरा जो है फ्रेम आना था। लेकिन मुझे यहाँ से एक डॉल भी चाहिए थी, छोटी सी प्यारी सी गुड़िया, और वो गुड़िया मुझे क्यों चाहिए थी वो आगे चल के आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो गुड़ियाओं के सेट्स बने हुए थे, चार चार गुड़िया का सेट था। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं पूरी चार ही गुड़िया खरीद लूँ, लेकिन मेरे साथ मामा थी ना, तो उन्होंने बोला नहीं भाई एक ही गुड़िया खरीदो। तो ये बड़ा खूबसूरत खूबसूरत ही डॉल का सेट था। खैर फाइनली जो मुझे डॉल चाहिए थी वो डॉल भी मुझे मिल गई। बहुत अच्छी डेकोरेशन की शॉप थी जो कि बसेरा के बिल्कुल फ्रंट पे थी। हर चीज़ वही थी जो मुझे बोल्टन में मिली, लेकिन हर चीज़ जो है 3 गुना ज़्यादा बढ़ा के प्राइस थी, जो कि मुझे लगा कि अल्लाह का लाख शुक्र है कि मैं वहाँ चली गई और मैंने वहाँ से तमाम डेकोरेशन का सामान ले आई अपने रिजनेबल, जो मेरे अंडर बजट काम हो गया। अब मैं मार्केट के अंदर जा रही हूँ अपनी शॉप।
जनाब ये रहा मेरा 3D फ्रेम, तो मैंने इसी के लिए इतना इंतज़ार किया और फाइनली जो है वो आ गया था। तो अब यहाँ पे जल्दी जल्दी हमने जो है अपना फ्रेम वगैरह जो है जो भी पैक शेक करवाया, और मैंने सोचा आपको दुकान का भी कोई रिव्यू एक शॉप का दे दूँ। लेकिन फिर मैं वही कहूँगी कि अगर आपने जिस तरीके से हमें जो है काफ़ी सारा सामान चाहिए था, अगर इस तरह का कोई प्लान है आपका, तो आप ज़रूर बोल्टन मार्केट वाली वीडियो हमारी देख लीजिए, क्योंकि उसमें कम्प्लीट एड्रेस है, कम्प्लीट चीज़ें वहाँ जो सस्ताई मिलेगी ना वो आपको यहाँ नहीं मिलेगी। वही चीज़ें जो वो 500 की थी तो यहाँ पे वो 700 और 800 बोल रहे थे। खैर बसेरा से हमने वॉक करना ही मुनासिब समझा, क्योंकि हमारा घर जो है वॉकिंग डिस्टेंस पे और हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो हमने सोचा कि चलिए जो कुछ रास्ते में खाते पीते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे एक बर्गर का पॉइंट था, तो सभी कहने का चलो जी देखते हैं यहाँ पे कितनी क्या रेट्स हैं, क्या प्राइस वगैरह है बर्गर की। नहीं तो हमारा तो चाट का प्लान था, और सभी का से मैंने प्रॉमिस भी किया था कि आज ना मैं उसको दही बल्ले खिलाऊंगी मीठे वाले। लेकिन खैर यहाँ पे वो आ गई, लेकिन इसकी कुछ बात बन नहीं सकी। और फाइनली यहाँ पे मुझे आपको वो दिखाना था जो मिल गया, कराची की बस। ये देखें कराची की ज़बरदस्त किस्म की बस, आई डोंट नो आपके एरिया में है कि नहीं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे मम्मा को चिकन की शॉप पे रहा, उन्हें चिकन लेना था, और हम दोनों आ गए अपने बर्गर पॉइंट पे बर्गर पैक करवाने, उसी बर्गर की शॉप पे जो मैं अक्सर जहाँ से बर्गर लेकर जो खाती हूँ, जो अक्सर आपको मेरी वीडियोस में शो होता है कि आज मैं फिर आई हूँ यहाँ पे, आज मैं 5 बर्गर बनवा रही हूँ और ये मेरी सभी। तो आज हमने यहाँ पे 5 बर्गर बनवाने थे, क्योंकि घर पे जो है पापा भी आ गए, तो उनके लिए हमने कोई रिफ्रेशमेंट का सामान भी नहीं रखा था, उनको भी आना ही था ना जल्दी से। तो फिर बस जल्दी जल्दी हमने जो है बर्गर बनवाया यहाँ पे, क्योंकि आज जो है हमारा नसीब बड़ा चमका हुआ था, क्योंकि आज सुबह से लाइट नहीं गई थी और इसीलिए हमें देर भी हो गई घर से निकलने में। यहाँ सभी का जो है थक कर बैठ चुकी है, सभी का को यहाँ पे शदीद किस्म की गर्मी जो है महसूस हुई थी, लेकिन इन्वायरमेंट बड़ी अच्छा था, बड़ी अच्छा हम निकले थे हम, और अब रात हो चुकी है बिल्कुल अंधेरी। देखिए यहाँ सारा लोकेशन कितना खूबसूरत लग रहा है नज़ारा। यहाँ पे मज़ेदार सा चटपटा सा हमारा बर्गर जो है बन रहा था, हमने कहा था भाई बड़े कुरकुरे से मज़ेदार से बर्गर बनाना भाई, तो हमने राहिल के लिए भी ले लिया, पापा के लिए भी ले लिया और अपने लिए भी ले लिया कि चलो जी घर जाते ही हम लोग एक एक पूरा बर्गर और एक एक प्याली चाय पी लेंगे ना, तो कुछ तो हमें सुकून मिलेगा, उसके बाद फिर खाना बना। हमारा वो रखा हुआ है, और ये लोकेशन देख लें सब कितनी बढ़िया है, और सभी का जो है वो खड़ी है, वो शॉर्ट रिकॉर्डिंग करने में लगी हुई है। और फाइनली जो है मम्मा जो है चिकन लेके रोड के उस पार ही हमारा वेट कर रही, तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इधर आए और हमारे पास आए, तो फिर जल्दी जल्दी से जो है यहाँ पे हमारा बर्गर भी पैक हो गया था, और फिर जो है हम लोग मम्मा के पास चले गए और हम जो है अपने घर पहुँच गए। इत्तेफाक से लाइट थी। आज जो है सारी शॉपिंग कम्प्लीट हो गई है, अभी जो है हमने मतलब जो फ्रेम वगैरह फिट करेंगे उनको जो है नीचे बुलाया है, अभी वो थोड़ी देर में आएंगे तो फिर दिखाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। मैं अपना सामान लिया है किचन का, लगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ फाइनल हो गया है। यहाँ पे जो है मैं गरम गरम सा बर्गर जो है उसको निकालने लगी हूँ, चाय जो है उसको मैंने हीट पे रख दी थी, पापा भी अभी तक घर नहीं आए थे, राहिल भी घर नहीं आए थे, तो इन लोगों का जो बर्गर है वो हमने शॉपर पे ही रहने दिया। बड़े ही मज़ेदार और कुरकुरा सा बर्गर, खास करके जब आपको बहुत तेज़ भूख लग रही हो तो इतना मज़ेदार और गरम गरम बन कबाब मिल जाए कमर्शियल तो क्या ही बात है, और मेरे तो ये फेवरेट ही है। इसके साथ ही अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर आपने अब तक हमारे चैनल्स मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, क्या हो जाता है इससे, हमें आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। दुआओं में बहुत याद रखा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।